धोनी बहुत बड़े खिलाड़ी रहे तीनों फॉर्मेट के, किंतु निश्चित रूप से टेस्ट क्रिकेट से ज्यादा वो T20 और 50 ओवर्स के वनडे क्रिकेट में ज्यादा बड़े मैच विनर रहे हैं, गेम फिनिशर रहे हैं, फिनिश करना, जिन्हें मैं सोचता हूँ वनडे क्रिकेट के इतिहास के सर्वश्रेष्ठ प्लेयरों में उनकी गिनती की जाएगी। ऐसा नहीं कि टेस्ट क्रिकेट में वो अच्छा नहीं खेले, उसमें भी अच्छा खेले, और बेसिकली तो वो विकेट कीपर हैं, तो विकेट कीपर तो अच्छे हैं ही, और बल्लेबाज बड़े अनऑर्थोडॉक्स बल्लेबाज हैं, किंतु उनकी टेस्ट क्रिकेट में उनकी बल्लेबाजी और कप्तानी दोनों पे एक इतनी उपलब्धियों के बाद भी एक चक्र धब्बा और हमेशा रहेगा कि भारतीय सब महाद्वीप के बाहर उनका बल्ले का प्रदर्शन उतना नहीं रहा जितनी उनका भारत में और सब कॉन्टिनेंट में रहा, और वही चीज कप्तानी के लिए भी रहती है। तो किसी ना किसी खिलाड़ी में जो कुछ कमी रहती है, तो धोनी के लिए मैं ये नहीं कहूँगा कि कोई बहुत बड़ा वो है, पर जितना उनको ऑस्ट्रेलिया में और इंग्लैंड में और साउथ अफ्रीका में जैसा उनके बल्ले को प्रदर्शन करना था उतना नहीं हुआ। टेस्ट क्रिकेट से रिटायर होना तो बड़ा सुलझा हुआ समझदारीपूर्ण निर्णय है, क्योंकि खिलाड़ी खुद ही अपने शारीरिक और मानसिक स्थिति का सबसे अच्छा आकलन करता है। हम बाहर बैठ के हम लोग नहीं कर सकते कि उसने ठीक किया कि नहीं, वो खिलाड़ी को खुद को मालूम है कि उसकी मानसिक और शारीरिक स्थिति क्या है। तो मैं सोचता हूँ कि इतना लंबा करियर और जितने दबाव में और जितने उन्होंने अपने शरीर को और दिमाग को दोनों को जो उन्होंने इतना बोझे में रखा इतने साल तक, तो वो रिलीव होना चाहेंगे इस पड़ाव पे आके अपने करियर के, क्योंकि विकेटकीपर थे वो, जो कि अपने आप में बहुत टफ होता है, फिर वो कप्तानी भी कर रहे हैं उसके साथ, वो अलग दबाव है, और इतने साल तक और इतने सफलतापूर्वक करते रहे, और आज के इस दौर में जब आपको बाहरी दबाव भी न केवल खेलने के दबाव है, बाहरी दबाव भी बहुत सारे रहते हैं, तो मैं सोचता हूँ उन्होंने बहुत सही निर्णय लिया, क्योंकि उससे उनका वनडे और क्रिकेट का जो करियर है थोड़ा सा ज्यादा ध्यान दे सकेंगे और ज्यादा एक्सटेंड हो जाएगा।